ये बात हम शुरू से उद्धव ठाकरे साहब कहते आए हैं या और भी नेता करते आए हैं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने ये जो प्रयास शुरू किया है उसका हम स्वागत करते हैं। हमने देखा है कि नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हुई है। कल दिल्ली में सीनियर लीडर और भारत के सबसे बड़े नेता है शरद पवार साहब से भी राहुल जी और खड़गे साहब की बातचीत कल हो गई है, ये अच्छे संकेत है। उससे पहले मुंबई में उद्धव जी और शरद पवार साहब की मुलाकात हुई है। मैंने आज ही पढ़ा है कि राहुल जी ममता बनर्जी को भी मिलने वाले हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक हमेशा दृष्टिकोण रहा है या षड्यंत्र रहा है कि कोई अपोजिशन एक साथ न मिले, एक साथ न रहे, ये भ्रम उनका टूटने वाला है। 2024 में पूरा विपक्ष एक रहेगा। सोमवार को 5 तारीख को कांग्रेस के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब की तरफ से कांग्रेस के सीनियर लीडर महासचिव वेणुगोपाल जी, केसी वेणुगोपाल जी मुंबई में आ रहे हैं, उद्धव जी से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। उनके बाद मुझे लगता है कि एक मुलाकात खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के साथ भी हो सकती है। जब मैं दिल्ली में राहुल जी से मिला था, सोनिया मैडम भी थी वहाँ, तब हमने भी बातचीत की है और हमने भी उनको न्योता दिया है कि आपको मुंबई में आना है, मुंबई में आइए, महाराष्ट्र में आइए। राहुल गांधी जी लोकप्रिय नेता है, उनका संघर्ष तानाशाही के खिलाफ चल रहा है और लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। हम सबका कर्तव्य बनता है जो हमारे कुछ मतभेद है, गिले शिकवे हैं, उनको दूर रखें और देश में जो परिवर्तन की आंधी चल रही है उसमें कोई अड़चनें पैदा न करें। इसीलिए सभी विपक्ष नेता उनके साथ राहुल गांधी और खड़गे जी का जो डायलॉग चल रहा है वो बहुत ही आशादायक। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 67 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।